क्या फ्रेंड्स आप भी इंग्लिश मैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं? कई बार तो हम व्हाट्सएप पर हमको कोई मैसेज करता है या इंग्लिश में करता है, अपनी गर्लफ्रेंड करती है, अपने फ्रेंड ब्रदर या कोई भी करता है, तो हमको इंग्लिश मैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो किस प्रकार कर सकते हैं, हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको फुल समझ में आ जाएगा। और आपके व्हाट्सएप में कोई मैसेज करेगा तो भी आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो और उस मैसेज का आप जवाब दे सकते हो या रिप्लाई कर सकते हो आसान तरीके से। तो चले गाइस वीडियो को शुरू कर लेते हैं फटाफट, आपका बिना टाइम गवाए। तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपको पास में घंटी दिख रही है उस घंटी को आपको ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे यूजफुल कंटेंट लाऊंगा गाइस तो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। उसको गाइस आपका व्हाट्सएप को ऐप को ओपन कर लेना। यदि आपको व्हाट्सएप एप्लीकेशन में कोई मैसेज आ रहा है तो उसको आपको ओपन कर लेना। जैसे उसको ओपन करोगे तो गाइस आपको इस प्रकार इंटरफेस आपको ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपके मन में कोई आपको व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहा है तो आप उसे क्लिक कर लेना। जैसे मेरे पास आपको व्हाट्सएप पर कोई मैसेज भेज रहा है, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। जैसे मैं उसको कॉपी करने बाद गाइस आपको दिख रहा हूँ कोने में थ्री डॉट का आइकन, उस पर क्लिक कर लेना और आपको उस मैसेज को आपको कॉपी कर लेना। जैसे मैं इसको कॉपी करूँगा तो गाइस आपको इस प्रकार इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड देखकर मैंने आपको मैसेज को कॉपी कर लिया। कॉपी करने बाद गाइस आपको यहाँ पर प्ले स्टोर को ओपन कर लेना। जैसे आप प्ले स्टोर को ओपन कर आपको सर्च कर लेना गूगल ट्रांसलेट। जैसे मैं आपको सर्च कर लेता हूँ गूगल ट्रांसलेट, तो गाइस आपको गूगल ट्रांसलेट सर्च करना, आपको गूगल ट्रांसलेट को आपको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने बाद उसको ओपन कर लेना। जैसे उसको ओपन करोगे तो गाइस आपको इस प्रकार इंटरफेस आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो फिर आपको दिक्कत हो रही है, मैंने लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी कर रहा। जैसे मैं आपको मैसेज को कॉपी किया था, मैं उसको यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको पेस्ट करूँगा तो गाइस आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा में आप 5G नेट कैसे चला सकते हैं। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा मैं यहाँ पर इंग्लिश वर्ड होगा मैं हिंदी में ट्रांसलेट हो चुका आसान तरीके से। तो गाइस आप भी किसी मैसेज का इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो आसान तरीके से। तो गाइस इसी प्रकार में इंग्लिश वर्ड को आप हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हो तो इस प्रकार कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो चले गाइस वीडियो आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करें जरूर। फ्रेंड्स आप इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लाइन घंटी दिख रही है उसको जरूर दबा देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाऊंगा गाइस तो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। तो चलिए गाइस इस वीडियो आज इतना ही, तब के लिए जय हिंद वंदे मातरम। अगले वीडियो फिर मिलते हैं जल्दी।